मानसिक रूप से परेशान युवक ने गुरुवार को पटना एयरपोर्ट पर बम की अफवाह उड़ा दी। इसके कारण करीब 5 घंटे तक एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची रही। बम की सूचना मिलते ही फ्लाइट में बैठ चुके 134 यात्रियों को नीचे उतारा गया। रात 10 बजे बम स्क्वाड और एटीएस की टीम ने बारीकी से पूरे फ्लाइट की तलाशी ली। करीब 3 घंटे की जाँच के बाद रात करीब 1 बजे फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। मामला रात 9 बजे तब सामने आया जब निर्धारित समय से करीब आधा घंटा देर से पटना से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट में 24 वर्षीय युवक ऋषि चंद्र सिंह बेदी अजीब हरकत करने लगा। उसके पिता गुरुप्रीत सिंह ने उसे ऐसा करने से मना किया। पिता की बात सुन ऋषि जोर से चिल्लाया कि मेरे पास बम है, मार देंगे। इतना सुनते ही विमान में बैठे पैसेंजरों में हड़कंप मच गया। इंडिगो के स्टाफ ने फौरन इसकी सूचना CISF को दी। इसके बाद CISF के कर्मियों ने उस युवक को विमान से नीचे उतार कर पूछताछ शुरू कर दी। युवक के पिता ने बताया उनका बेटा हाजीपुर में गोदरेज कंपनी में काम करता है, वह मानसिक रूप से परेशान है जिसकी वजह से दिल्ली नहीं जाना चाहता, इसीलिए उसके विमान में बम होने की बात कही। कहे कि इसके अंदर बम है, वही हम लोग सर्च किए, कुछ नहीं मिला। पूरा सर्च किया आपने? हां पूरा। कितने देर ऑपरेशन चला? डेढ़ घंटा, दो घंटा लगभग। डेढ़ घंटा? हाँ, दो घंटा। दो घंटा पूरी तरीके से? पूरी तरीके से। टीम बम, हमारी BDS की बम निरोधक टीम है, BDS सिक्योरिटी की, डॉग स्क्वाड के भी लोग आए हैं। हम लोग पूरा सर्च किए, कहीं कुछ मिला नहीं। किस किस इक्विपमेंट का ज्यादा प्रयोग किया गया? NLJD होता है, उसमें जो बम की जो जाँच होती है, बम नॉर्मल है सब कुछ? हाँ नॉर्मल है। NLJD होता है, उसमें EBD होती है। हाँ हाँ ओके। गुरुप्रीत सिंह सेना के रिटायर्ड कर्नल है और दिल्ली रहते हैं। वे अपनी पत्नी के साथ बेटे को दिल्ली ले जाने के लिए पटना आए थे। एयरपोर्ट पर डॉक्टरों की टीम ऋषि की जांच की। डॉक्टरों ने बताया कि ऋषि हाइपरटेंशन का मरीज है, अभी वह नॉर्मल नहीं है, उसे ठीक होने में कम से कम 3-4 दिन लगेंगे। युवक के मानसिक रूप से परेशान दिखने के बावजूद बम की आशंका जाहिर करने को CISF ने हल्के में नहीं लिया और यात्रियों को उतार कर विमान की सघन तलाशी ली। सिक्योरिटी होल्ड एरिया, चेकिंग एरिया, पार्किंग बे और रनवे के साथ एयरपोर्ट परिषद की तलाशी ली गई। इसमें डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई। हालांकि लगभग 3 घंटे तक चली तलाशी में कहीं भी कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। 3 घंटे से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब ये लोग सिक्योरिटी चेक कर लेंगे, लेकिन अभी तक सिक्योरिटी चेक के नाम पे ये लोग जो है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा यहाँ पे कोई किसी का ठिकाना नहीं है कि कब तक ये लोग क्लियर करेंगे और हम लोग जो अपने गंतव्य स्थान पर जाएंगे। ये एयरपोर्ट प्रशासन पूरी तरह से नाकाम है यहाँ पे। एक पागल आदमी बोलता है कि बम है और उसको चेक किया जाता है और डॉक्टर भी सर्टिफाई करता है कि ये आदमी पूरी तरह से मेंटली इल है, इसके बावजूद भी सारे जितने भी पैसेंजर है उनका ख्याल न रखते हुए सबको परेशान किया जा रहा है। ये एक छोटी सी प्लेन जिसको चेक करने में 1 घंटा लगेगा 2 घंटा लगेगा, अब 5 घंटे हो गए और कोई भी यहाँ पे हम लोगों को केयर करने वाला पूछने वाला नहीं है। यहाँ देख सकते हैं सारे पैसेंजर जितने भी हैं, किसी को यहाँ दिल्ली से पुणे जाना है, पुणे से बाहर इंटरनेशनल लेवल पे, मुझे बाहर जाना था इथियोपियन एयरलाइन से, वो भी मेरे कैंसिल हो गया, जिसका जो है चेंजेस डिफरेंस मेरे को भरना होगा। इनका कोई प्रशासन और यहाँ से जो इंडिगो वाले हैं ये बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये पूरी तरह से नाकाम है। यहाँ का इंडिगो फ्लाइट के जितने भी स्टाफ हैं और प्रशासन है, कोई कुछ नहीं। एक आदमी आता है पागल और झूठ बोलता है और उसके बिना पे सारे लोग को परेशान किया जा रहा है। देखिए अभी 12:30 बज गया और अभी तक फ्लाइट का कोई अता पता नहीं है कि कब चालू करेंगे। फ्लाइट में बम की खबर आई और जो है ये उसके वजह से सारा डिपोर्ट कर दिया और डिपोर्ट करने के बाद फिर अभी 3-4 घंटे तक इस तरह का हंगामा चलता रहा। अभी बोल रहा है कि बिना खाना खाए पिए अब बाहर जाओ। अब हम लोग बाहर जा रहे हैं होटल में, ठीक है। ये इंडिगो की फ्लाइट थी और ये पूरी रात मर मतलब 8 बजे से लेकर के अब तक ये हंगामा चलता रहा है। सर अंदर जिस तरह से जब फ्लाइट में बम की सूचना मिली, क्या कुछ माहौल? भगदड़ नहीं हुआ, कुछ भी भगदड़ नहीं हुआ, हम लोग सब शांत से बैठे रहे, लेकिन बाद में फिर डिपोर्ट कर दिया, नीचे उतार दिया। सभी लोगों को आनंद फानन में नीचे उतार दिया गया? आनंद फानन नहीं, मतलब आराम से उतारा।